हरियाणा में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन निकाय चुनावों को विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी की एंट्री से बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केजरीवाल को चुनौती मानने से इनकार कर दिया है। तो क्या कहा पूर्व सीएम ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी पार्टी का विस्तार कर रही है। गुजरात हिमाचल के बाद आपने हरियाणा में भी एंट्री की तैयारी कर ली है। हरियाणा में जून में नगर निगम चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को चुनौती मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि राज्य में उनकी सियासी जंग भारतीय जनता पार्टी से है। एक इंटरव्यू के दौरान जब हुड्डा से पूछा गया कि आपके बढ़ते कद के चलते कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है, तो इस पर उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे, उन्होंने आपको एक विकल्प के तौर पर देखा। हरियाणा के लोगों के लिए कांग्रेस पहले से ही एक विकल्प है। मैं केजरीवाल को चुनौती के रूप में नहीं देखता हूं। कांग्रेस के लिए आप कोई जोखिम नहीं है, हमारी जंग भाजपा के साथ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने पहले भी 90 विधानसभा सीटों और 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को कुरुक्षेत्र में एक रैली की थी। उनकी इस रैली को 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। रैली के दौरान उन्होंने राज्य में सत्ता पर काबिज बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना चाहते हैं, वो हमारे साथ आए। जो उन्हें दंगाई, गुंडे, बलात्कारी बनाना चाहते हैं, वो भाजपा के साथ जाएं। आम आदमी पार्टी मानती है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल की रैली नगर निगम चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगी। अब तो ये वक्त बताएगा कि किसके लिए गेम चेंज होता है और कौन गेम जीतता है। लेकिन इन बयानों से हरियाणा की सियासत जरूर गर्मा गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।